भारतीय टीम ने एक बार फिर आईसीसी खिताब गवा दिया है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में 6 विकेट से शिकस्त झेली है। बीते 9 सालों में यह पहली बार नहीं था कि जब टीम इंडिया ने आईसीसी टूर्नामेंट गवाया है। बीते 9 सालों में यानी 2014 से लेकर 2023 तक टीम इंडिया आईसीसी के कुल 10 खिताब गंवा चुकी है। टीम ने लगभग हर बार करीब जाकर हार झेली है। पिछले 10 आईसीसी खिताबों में भारतीय टीम ने 4 बार सेमीफाइनल में और 5 बार फाइनल में हार झेली है। भारत ने आखिरी आईसीसी ट्रॉफी 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीती थी। इसके बाद से टीम इंडिया कोई भी आईसीसी खिताब अपने नाम नहीं कर पाई है। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही टीम इंडिया आखिरी बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब भी 2011 में जीती थी। आखिरी बार आईसीसी ट्रॉफी जीतने के अगले साल ही यानी 2014 में भारत ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल गंवा दिया था, जो कि श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम ने खेला था। फिर 2015 के वनडे वर्ल्ड कप में भारत को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त मिली। इसी तरह टीम ने 10 आईसीसी खिताब हाथ से जाने दिए हैं। 10 बार में टीम इंडिया सिर्फ एक बार 2021 के T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से बाहर हुई है। इसके अलावा टीम को नॉकआउट्स में हार का सामना करना पड़ा है। पहला 2014 T20 वर्ल्ड कप, वहाँ पे हम फाइनल हारते हैं। 2015 वनडे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हारते हैं। 2016 T20 वर्ल्ड कप अगेंस्ट वेस्ट इंडीज सेमीफाइनल में हारते हैं। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, जहाँ हमें पाकिस्तान ने फाइनल में शिकस्त दी थी। 2019 वनडे वर्ल्ड कप, जहाँ सेमीफाइनल में हमें न्यूजीलैंड ने हराया था। 2019-21 साइकिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हमें दोबारा से न्यूजीलैंड ने हराया था। 2021 T20 वर्ल्ड कप, यहाँ पर हम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे। 2022 T20 वर्ल्ड कप, यहाँ हमें इंग्लैंड ने 10 विकेटों से सेमीफाइनल में करारी शिकस्त दी थी। 2021 से 2023 तक की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल, जहां पर हम फाइनल हारते हैं, और अब 2023 वनडे वर्ल्ड कप, जहां हमें फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराया है। इस तरह से भारतीय टीम ने 2013 से लेकर अभी तक यानी 2023 तक कई आईसीसी टूर्नामेंट्स के सेमीफाइनल और फाइनल्स खेले, लेकिन एक भी बार ट्रॉफी अपने नाम करने में टीम नाकामयाब रही है।